गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हमारी रसोई में बन रही है अंडा कड़ी, जो कि बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल से बनाएंगे और बढ़िया टेस्ट लाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 1 गुच्छा लहसुन का, 3 हरी मिर्ची और यहाँ पर प्याज जो है हमको 5 प्याज लिए हैं और 5 ही हमको टमाटर लेने हैं। यानी कि जितनी क्वांटिटी में प्याज लिया है उतनी ही क्वांटिटी में हमको टमाटर लेना है। बस फिर क्या करना है, इनको रफली चॉप करके हम इसको मिक्सर ग्राइंड में एक अच्छा पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पर सबको रफली चॉप कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, एक मिक्सर ग्राइंडर लेंगे और सब टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक सब इसमें डाल के और थोड़ा सा पानी डाल के हम इसमें एक अच्छा पेस्ट बनाएंगे। फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, थोड़ा सा दरदरा रखना है। तो ये देखिए बन गया है हमारा पेस्ट। ये देखिए दरदरा पेस्ट बन गया है, जिसमें थोड़े थोड़े टमाटर प्याज नज़र आ रहे हैं, तो इससे वो टेस्ट बहुत अच्छा आने वाला है। तो यहाँ पर हम रख देते हैं कढ़ाई और उसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच तेल का। तेल को गर्म होने देते हैं और उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 1 चम्मच जीरा। और जैसे ही जीरा यहाँ पर थोड़ा लाल हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर जो पेस्ट रेडी करके रखा है उसको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि यह जो हम पेस्ट रेडी करते हैं तो इसका जो है पानी जो है बहुत ही उड़ता है, इस तरह से देखिए। तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको 5 मिनट के लिए फुल गैस पर ढक दीजिए और अपना कोई भी काम कीजिए, कोई हमको हिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और देखिए इस तरह से फिर इसका पूरा मॉइस्चर, पूरा पानी इसमें ख़त्म हो गया है। तो हमारा ये मसाला भी अच्छे से पक चुका है। तो है ना, ये टाइम की बचत, अपना ढक दो और कोई भी काम करो। तो अभी मैं इसमें स्पाइसेस डालूँगी, 1/2 चम्मच हल्दी, 2 चम्मच लाल कश्मीरी मिर्च और नमक स्वादानुसार डालिए। मैं यहाँ पर 1 चम्मच ले रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और 1 चम्मच यहाँ पर मैंने धनिया पाउडर लिया है और 1 चम्मच गरम मसाला। अभी इन स्पाइसेस को अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि कोई भी मसाला एक जगह ना रह पाए। तो मसाला अच्छे से मिक्स कर दिया है, इसके अंदर 2 गिलास पानी ऐड करूँगी ताकि हमको मसाले की जो है करी बनानी है। और आप अपने अकॉर्डिंग इसमें पानी ले सकते हैं कि आपको करी कितनी गाढ़ी बनानी है, कितनी पतली बनानी है। तो अभी मैं इसके अंदर ऐड करूँगी दूध। जी हाँ, ये मैजिक है, ये बहुत ही अच्छी टिप्स है। देखिए हमारे घर में कभी कभी क्रीम या मलाई ऑलवेज़ अवेलेबल नहीं रहती है, तो वो अवेलेबल नहीं हो तो आप दूध डालिए। गाइस ट्रस्ट मी, एकदम मलाई जैसा और क्रीम जैसा इसका टेक्सचर आएगा और वैसा ही टेस्ट आएगा। और यहाँ पर जो एग मैंने अंडे बॉईल करके रखे थे अब उस पर ऐड कर देते हैं। आप अंडे की शेप किसी तरह से भी दे सकते हैं, आप पूरे अंडे भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह से हाफ कट के ही डालती हूँ क्योंकि इससे इसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा आता है। तो अंडे डालने के बाद यहाँ पर हमको डालनी है क्रश की हुई कसूरी मेथी। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, जो क्रीम वाली हमारी ग्रेवी होती है तो उसके अंदर ये कसूरी मेथी डालना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे कसूरी मेथी डालने से सब्ज़ी का स्वाद जो है दुगना हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कितने ही आसान तरीके से मैंने आपको ज़रूरी टिप्स एंड ट्रिक्स बताकर अंडा करी बनाना सिखाया है। तो गाइस देखो, बहुत ही बढ़िया आसानी से ये हमारी अंडा करी रेडी हो रही है। तो बस अब क्या करना है, इसको 5 मिनट गैस पे उबाला दिलाइए और हमारी ये अंडा करी हो गई है रेडी।
तो गाइस, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो पर लाइक एंड कमेंट कीजिए, और जो मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद नहीं आती है तो आप कमेंट करके भी मुझे बता सकते हैं, और अगर पसंद आ रही हैं दोस्तों तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले तो मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा इजी बनने वाली रेसिपीज़ आपके सामने ला सकूं। ओके, बाय।